लेवल के डिजाइन है, ये कब पैक होंगे, कब जाएंगे कस्टमर के पास, हम भी एक्साइटेड हैं और कस्टमर भी एक्साइटेड हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विद अमाद खान पाकिस्तानी। आज बाबा जी सब लोगों के लिए खुशखबरी की बात है, काफी लोग इंतजार कर रहे थे कि अमाद भाई आपने आउट ऑफ कंट्री की डिलीवरी जो पैक करनी थी कब पैक करेंगे, कब उनका सामान तैयार होगा, तो आप लोगों को सामान भी बताएंगे। मेरा इरादा था कि आप लोगों को जो हमारे पास न्यू स्टॉक आया है जो आउट ऑफ कंट्री लोगों के लिए, उनके लिए हमने सेपरेट व्लॉग बनाना था, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, तो इस टाइम को मैनेज करते हुए हमने सिर्फ और सिर्फ आपको आज की वीडियो में स्टॉक भी बताना है जो हमने आउट ऑफ कंट्री के लिए तैयार किया है, और इसके अलावा जी जो कि हम पैक कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह जी। अभी जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो अमाद का इसमें करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अमाद खान पाकिस्तानी के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों के पास बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहें और हम भी आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाते रहें। अभी हमने जी एक बॉक्स तैयार किया है अल्हम्दुलिल्लाह से जी, आप देख सकते हैं जी काफी हैवी किस्म का बॉक्स है जो कि आउट ऑफ कंट्री की डिलीवरी जा रही है। अभी हमने इस बॉक्स को सही किस्म का सेट कर दिया है, टेपिंग वगैरह हमने इसके ऊपर कर ली है, ताकि ये बॉक्स जो आउट ऑफ कंट्री जाएगा सेफ तरीके के साथ जाए। कौन से कंट्री जा रहा है बाबा जी? ये जा रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह से साउथ अफ्रीका की। अभी हम पैकिंग कर रहे हैं और इनका स्टॉक क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इनका क्या क्या स्टॉक है, इसकी पैकिंग किस तरह करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बहुत ही मजे की चीज बताएं, आउट ऑफ कंट्री के लिए ऑर्डर तैयार किया जो कि हमारा कार्ड स्टोर रूम था वो फुल का फुल हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कितनी प्यारी प्यारी कार्ड्स के साथ हमारा तैयार हुआ। के व्लॉग में आपको शुरू में ही एंजॉय करने की वीडियो मिलेगी, आप हमारी वीडियो एंजॉय करके देखोगे आज के व्लॉग में। सबसे पहले जी माशाल्लाह से जी आप देख सकते हैं जी हमाद काइट्स मेकर का जो कि एक स्मॉल सा जो रूम है जिसके अंदर हमने काइट्स वगैरह काफी प्यारी डेकोरेट करके काफी मेहनत के साथ हमने ये काइट्स वगैरह तैयार की हैं। और ये फ्लैग है जो कि अमेरिका का फ्लैग है, यूएस का फ्लैग है, न्यूयॉर्क में भी चलता है, हर कंट्री में चलता है, लेकिन कुछ हमारे एक ऐसे क्लाइंट हैं जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे भाई हैं, जिन्होंने हमें ऑर्डर किया था, काफी सारी क्वांटिटी के अंदर हमने तैयार किया है। सामान जो हमने कौन से पार्सल के अंदर पैक करना है ये भी आप लोगों को बताएंगे, सेपरेट से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी ये आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया काइट्स मेकर का जो सामान है जो कि आउट ऑफ कंट्री की डिलीवरी है, हमारे सेपरेट कस्टमर का ऑर्डर है, सेपरेट से व्लॉग बनेगा क्योंकि व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इस पार्सल को पैक करने के लिए। तो सबसे पहले इस पार्सल को पैक करते हैं, एड्स की वीडियो इंशाल्लाह आपको जब हम इसको पैक करेंगे तो आपको साथ साथ बताएंगे किस कंट्री में जा रही है। अभी पार्सल है जी यहाँ पे जी, अहमद भाई बॉक्स के अंदर बैठ चुके हैं जी, ये अहमद साहब, तो माशाल्लाह से जी आप देख सकते हैं जी यहाँ पे हम कॉटन की सेटिंग वगैरह कर रहे हैं ताकि कॉटन के अंदर काइट्स वगैरह आ जाएं। इनका जो जो सामान है वो भी आपको साथ साथ बताते हैं। फाइनली जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह से हम पैकिंग करने लगे हैं जी, साउथ अफ्रीका का पार्सल है और शाहान साहब कॉटन के अंदर पहुंच नहीं सकते, ये काफी हैवी किस्म का कॉटन है, तो डेढ़ तावा की पैकिंग लग रही है भाईजन, सरांचा बांस के अंदर डेढ़ तावा जा रहा है, आउट ऑफ कंट्री के लिए जा रहा है और साउथ अफ्रीका के लिए जा रहा है। अभी हम पैकिंग कर रहे हैं जी, 500 डेढ़ तावा सबसे पहले हमने इनके लिए डालना है क्योंकि हमने स्पेशल इनके लिए तैयार कराया है। ज्यादातर लोग सूट में मंगवाते हैं क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में काटदार गुडा नहीं चलता, जिन लोगों को शौक होता है जहाँ पे हवा वगैरह कम होती है तो वो लोग हमें कहते हैं जी भाईजन हमें काटदार गुडा दे दें। कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे हवा वगैरह तेज होती है, पाकिस्तान की बनस्बत जो होती है वो बहुत ही ज्यादा हवा होती है, तो उसके लिए हमने ये डेढ़ तावे भी तैयार किए हैं। काफी प्यारे प्यारे डिजाइन है, ये सिंपल डिजाइन है लेकिन बहुत डिसेंट और बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन है, माशाल्लाह से सिगरेट पेपर के अंदर है। 500 डेढ़ तावा की पैकिंग अभी हम लगा रहे हैं जी इस कॉटन के अंदर, जबरदस्त किस्म के तरीके के साथ जबरदस्त हो गया। ये व्हाइट कलर आ गया जी और ऑरेंज कलर आ गया जी, जिसको येलो कलर मेहंदी कलर भी बोलते हैं, ब्लैक कलर जट ब्लैक के अंदर भी हमने इनकी काइट्स वगैरह रखी है अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ पे जी पतंगे वगैरह अभी हम डालने लगे हैं भाई के, सबसे पहले हमने चॉकलेट कलर में रखा है, उसके बाद ये वाला कलर है, उसके बाद ये वाला कलर बहुत ही प्यारा कलर है, ये आप देख सकते हैं जी कश्ती पतंग है, एक ये वाला कलर है और इसके साथ एक ये वाला कलर है ऑरेंज बहुत ही प्यारा लश किस्म का, और एक येलो कलर है और बहुत ही प्यारा कलर है ये येलो वाला। हमारी ये इनकी 6 रकमें, 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये चॉकलेट कलर है, इंशाल्लाह ये भी इसके अंदर हम डालने लगे। पहली रकम डन हो चुकी है, अभी हम दूसरी वाली रकम इसके अंदर रखते हैं ताकि 2 हो जाए फिर बाकी और रखते हैं जी। तो हमने पतंगों के बाद थोड़ा सा डेढ़ तावा और रखा है ताकि इनकी पतंगे सेव रहें, तो अभी हम ये ब्लैक वाला सेट रखने लगे हैं और उसके बाद फिर ये वाली 2 रखेंगे ताकि इनका ये कंप्लीट हो जाए जल्दी से जल्दी। बॉक्स में अगर स्पेस बची तो इनके लिए हम ये वाली पतंगे भी रख देंगे 4.5 वाली। हाँ जी, एक पेयर और रखने के बाद अभी हम रख रहे हैं जी ये ऑरेंज वाली पतंगे जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी है, सबसे प्यारी पतंग जो है ना भाई की
ये ऑरेंज वाली पतंग जा रही है। भाई जान ये देख लें, आपका पार्सल पैक हो रहा है और माशाल्लाह से काफ़ी सेफ तरीके के साथ हम इसको पैक कर रहे हैं। इसके ऊपर हम तय लगा रहे हैं, सबसे पहले हम पतंग रख रहे हैं, फिर हम डेढ़ तावा रख रहे हैं, फिर पतंग, फिर डेढ़ तावा, ताकि आपका सारी की सारी एडजस्टमेंट हो जाए यहाँ से। थोड़ी सी फट चुकी है, अभी उतारते वक्त इसका गुजारा करना है, ये आपने जोड़ लेनी है, ठीक है। ये एक दो हम फालतू रख लेंगे इंशाल्लाह आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर जी आ गया जी जट ब्लैक, जट ब्लैक भी भाई का आ गया जी, ज़बरदस्त हो गया जी। और जेट ब्लैक के बाद जी ये एक और जेट ब्लैक आ गए, ज़बरदस्त किस्म का, यहाँ पे सेफ तरीके के साथ आ रहा है जी, ज़बरदस्त। ये भी डन हो रहा है, इसको सही कर दे, इस तीले को सही कर दे, ये सेट हम आपका सही हो जाएगा, ताकि ये सारी की सारी इसके अंदर सेफ तरीके के साथ आ जाए। अभी आखिरी पतंग सबसे प्यारी है, जो कि ये पड़ी है, ये अभी रहती है, इसको भी अभी डालेंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने। और डेढ़ तवा दोबारा रखने के बाद जी आखिरी सेट इनका जा रहा है जी पतंगों का, जो कि बहुत ही प्यारी और लजीजा किस्म की पतंगे हैं यार। आपकी किस्मत भाईजान बहुत अच्छी है कि आपके पास बहुत प्यारी प्यारी पतंगे जा रही हैं हमारे पास से, और ये ज़बरदस्त हैं। और जब आप काइट फ्लाई करेंगे तो हमें इसका रिव्यू लाजमी दीजिएगा, क्योंकि हमारे जितने भी कस्टमर हैं हमारे पास से परचेजिंग वगैरह करते हैं तो वो हमें रिव्यूज़ देते हैं। तो माशाल्लाह से जी आप देख लें जी, आपकी सेफ तरीके के साथ हमें पतंगें रख दी हैं सारी की सारी। हमारी कोशिश थी कि हम आपके लिए 4.5 की रखें, लेकिन एडजस्ट करते हैं, अगर आ जाती हैं तो देन इस बॉक्स के अंदर हम आपका सामान सारा का सारा रख देते हैं, ताकि ये बॉक्स सेट हो जाए और इंशाल्लाह इसको फुल और फुल डन कर दें पैकिंग वगैरह। अभी ये देखें, हमने दोबारा से लेयर चढ़ा दी है जी डेढ़ तावा की। फाइनली जी इनका पार्सल वगैरह डन हो चुका है, जिसके अंदर हमने डेढ़ तावा और 5.5 किट्ठी की सारी पतंगें डाल दी हैं। इनका थ्रेड कौन कौन सा है, अभी थ्रेड की बारी आती है, लेकिन पहले इस कॉटन को हम डन करते हैं, उसके बाद आपको इनका थ्रेड बताते हैं, जो कि इन्होंने हमारे पास से थ्रेड परचेज किया है। बड़े पार्सल तो डन हमने किया है, लेकिन एक छोटा सा पार्सल है हमारे भाई का, शेख तैयब भाई हैं, जिन्होंने हमें ऑर्डर किया हुआ है। कहाँ से ऑर्डर किया हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इन्होंने एक 014 की जेन्युइन गोट परचेज की है, साथ में इन्होंने एक बुराक TMA का ओरिजिनल पीस परचेज किया है, इन्होंने एक जादूगर का ओरिजिनल पीस परचेज किया है, और एक TMA की 3 पत्ती गोल्ड परचेज की है, साथ में इन्होंने एक परचेज किया जी वुड कटर के नाम से, प्यारा जेन्युइन पीस है, हमने एक्स मार्के के अंदर बहुत ही प्यारा पीस हमने इनके लिए पैक किया है। ये तैयब शेख भाई हैं, उनका ऑर्डर अभी यहाँ पे पैक हो रहा है। तो भाई का जो थ्रेड था हमारे पास, ये हमारे पास काफ़ी सारी क्वांटिटी के अंदर चरखियाँ आ चुकी हैं, जो कि हमने भाई को भेजनी है। इन्होंने 6 पीस की बारीक चरखियाँ मंगाई हैं, जो कि 14 पीस की चरखी होती है, 6 पीस जेन्युइन धागा होता है, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर हैं। हमने इनको ये वाला कलर दिया है, ठीक है, फर्स्ट, और दूसरा कलर हमने इनको ये ब्लैक वाला दिया है, तीसरा कलर भी इनका ब्लैक है, चौथा भी इनका ब्लैक कलर है, पांचवा इनका ये मेहंदी कलर है, छठवां इनका ब्लैक है, सातवां इनका ये वाला रेड कलर है, ठीक है, आठवां भी ये रेड है। रेड की चरखियाँ भैया ने आपकी 2 रखी हैं, क्योंकि स्टॉक लिमिटेड था तो आपने कहा था रेड नहीं रखनी, लेकिन हमारे पास रेड थी अवेलेबल तो हमने रेड ही रख दी है। क्लास का धागा है और बहुत तेज़ किस्म का लगा है। इसके अलावा जो आपकी 2 चरखियाँ हैं, जो कि भाई ने पसंद की थी, एक जक्का में, ये हमने इनकी रख दी है, बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक हमने ये वाला कलर रखा है, जामनी कलर रखा है, और बहुत ही प्यारा नाम है इसका, आइडियल प्लैटिनियम के नाम से है, ये ज़बरदस्त है। बाकी ये इनकी ये वाली चरखियाँ सारी की सारी हमने इस बॉक्स के अंदर अभी एडजस्ट करनी है। ये हम चरखियाँ वगैरह रखना शुरू कर दिए हैं हमने भाई की, माशाल्लाह से 2 चरखियाँ इधर आ गई हैं, तीसरी इस कॉर्नर में आ गई है जी, और चौथी इस कॉर्नर में आ जाएगी, ये जहाँ से उठा के रखते हैं जी, ये चौथी आ गई जी माशाल्लाह से। ये हैवी वेट है इस चरखी का, लेकिन ज़बरदस्त। इस कत्ते को यहाँ से सही कर दे, इसको सही करके रख, और ये सारी की सारी उठा के अभी मैं यहाँ पे रखता हूँ। माशाल्लाह से हमने पार्सल वगैरह डन कर दिया है, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अभी हमने जाना है घर। सुबह आएंगे तो बाकी वीडियो सुबह ही बनेगी, और सुबह भी बहुत सारे पार्सल हैं, वो भी साथ साथ पैक करेंगे। लेकिन इस रूम में बड़ी खुशी होती है, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन पड़े हैं, आपको मेरे बैकग्राउंड में नजर आ रहे लेवल के डिज़ाइन है। ये कब पैक होंगे, कब जाएंगे कस्टमर के पास, हम भी एक्साइटेड हैं और कस्टमर भी एक्साइटेड हैं, उनके पास ये प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैवी किस्म के जाएंगे, और इंशाल्लाह से जल्दी जाएंगे। तो आपसे मिलते हैं जी सुबह। The next day. Welcome again guys, रात को हम वापस आ चुके थे, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे। अभी हमने जाना है फिर से काय स्टोर रूम, पहले हमने पार्सल डिलीवर करवाने हैं, हमारे पास पार्सल थे पंजाब। काय स्टोर रूम में हम आ चुके हैं, और यहाँ पे चलते हैं काय स्टोर। असमील साहब हैं जी, जो के ऑफर लगाई हुई थी इन्होंने, जो कि चरखियों की ऑफर थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से पैकिंग कर रहे हैं जी। 5-5 चरखियों की हमने ऑफर लगाई हुई थी, तो ये भी डन कर रहे हैं पार्सल ये वाला।
तो अभी चरखियाँ वगैरह हमारी ख़त्म हो गई हैं, तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। हाँ जी, जो हमने रात को पार्सल पैक किया था जी आउट ऑफ कंट्री का, इसको हमने थोड़ा सा दोबारा से चेंज करने लगे हैं, इसलिए क्योंकि रात को तो हमने जल्दी जल्दी में पार्सल पैक किया था, तो इसको थोड़ी और सेटिंग करेंगे। इसमें स्पेस बन रही है, स्पेस बच रही है, इसमें हम 4:30 की अभी पतंगे भी रखेंगे और सही करके इसको सेट कर देंगे। हमने 1.5 तवा यहाँ पे बाहर निकाल ली है, अभी हमने जी इनके लिए 4:30 की इनके लिए खुशखबरी हो चुकी है। रात को तो इनके कॉटन के अंदर 4:30 की पतंगे नहीं आ रही थी, लेकिन अभी हमने एक सेट ये वाला रखना है और एक सेट ये वाला रखना है, ज़बरदस्त किस्म की है 4:30 की भी, इसके अंदर एडजस्ट करते हैं। हाँ जी, बिलाल भाई और मुमताज़ भाई आप लोग खुश हो जाएं जी, हमने कोशिश की है कि आपके लिए 4:30 की पतंगे इसके अंदर आ जाएं, तो देखते हैं कितनी रकमें आती हैं। पहले तो अभी हमने 2 एडजस्ट करनी है, 2 रकमों के बाद भी देखते हैं जी। अभी हमने रख ली है जी, आप देखें बड़े लेवल के तरीके के साथ हमने यहाँ पर आपके लिए पतंग रखी है, ये आपको नज़र आ रही है किस तरह साफ़ सुथरी और बिल्कुल एक नंबर तरीके के साथ हमने पतंग रखी है। अभी ये दूसरे वाली हम रकम इसको ओपन कर रहे हैं जी, तो ये वाली पतंग भी हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए रखेंगे। आ गई जी आपके लिए एक और रकम, और वाइट कलर में सिगरेट पेपर के अंदर, ये आप लोगों के लिए तीसरी रकम हम रख रहे हैं। पहले हमारी कोशिश थी कि 2 रखें, लेकिन इंशाल्लाह हम ये तीसरी भी रकम आपके लिए यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं बड़े तरीके के साथ, तो इंशाल्लाह ये भी आ जाएंगी। और उसके बाद फिर आपके ये जो पेंडिंग डेट था वह इसके ऊपर रख देंगे, ताकि ये पतंगे आपकी यहाँ पे सेफ़ तरीके के साथ रहें और आपका पार्सल सेफ़ तरीके के साथ आ जाए। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हमने रखने हैं जी वो वाले ये जो चरखियाँ हैं, डोर की चरखियाँ हैं, वो सारी चीज़ें हम रखेंगे। ये जी ज़बरदस्त हो गया जी, आ गई जी, आ गई ये आ गई जी आपकी वाइट कलर की 4:30 की रकम। अभी रखते हैं जी ये 1.5 तवा सारा का सारा दोबारा से, ये आपका आ गया जी 1.5 तवा, शाइन कर रहे हैं पूरा का पूरा पेपर, लश शाइन कर रहे हैं। आ गया जी दोबारा से आपका येलो, हमने दोबारा चरखियाँ एडजस्ट कर ली हैं और पतंगे भी 3 रकम में आ चुकी हैं और यहाँ पे थोड़ी सी रह गई हैं। तो भाईजान ये आपका पार्सल अल्हम्दुलिल्लाह से हमने आज 100% डन कर दिया। अब इसको ओपन नहीं करेंगे इंशाल्लाह, अब इसको इसी तरह भी यहाँ पे जी आज हमारी मछलियाँ मछलियाँ भी मर गई हैं, और आपका पार्सल मछली इसमें मर गई थी, वो किधर फेंकी है वो इसके अंदर, यहाँ से आपको नज़र आ रही होगी मर चुकी है। और बाकी हमने इसको दोबारा से साफ़ सुथरा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह से, पानी वगैरह हमने इसका सेट कर दिया, और आज हमारी मछलियाँ खुशी के साथ यहाँ में घूमेंगी और झूमेंगी। ये भी काम हमारा डन हो गया और पार्सल भी हमारा डन हो गया बाबा जी। ये यहाँ पे कल के पड़े हुए हैं, इस तरफ 6 तावे भी पड़े हुए हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी सारी हमारे पास आ चुकी हैं। और यहाँ पे जो न्यू स्टॉक निकलने लगा है, ये कहाँ का है और कहाँ जाएगा ये भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन माशाल्लाह से आज आपको का स्टोर रूम का व्यू बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नज़र आ रहा होगा। तो अभी ये है कि आज हमने ये वाला पार्सल अल्हम्दुलिल्लाह से डन कर दिया है, जो कि साउथ अफ्रीका के लिए हमारे पास से जाएगा। तो फाइनली गाइस ये है कि इंशाल्लाह हमने अभी नेक्स्ट पार्सल क्या नाम है पैकिंग करनी है, नेक्स्ट पार्सल की जो कि डिलीवरी देनी है आउट ऑफ कंट्री की, ये कौन सी कंट्री के ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपने अमाद कार्ड्स मेकर के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी करना है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फिर अमान अल्लाह हाफिज़।